नमस्कार, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बीएससी पार्ट थर्ड के लिए यूनिट 5 शुरू की हुई है, जिसका नाम है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने अमीनो एसिड्स को शुरू किया था। तो हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें देखा था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखा था, कितने अमीनो एसिड्स एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल हैं, इसके अलावा उनका क्लासिफिकेशन देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स देखने वाले हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स के बनाने की विधियाँ। तो इनको बनाने की बहुत सारी विधियाँ हैं, एक लेक्चर में तो ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो कुछ विधियों को हम आज एक लेक्चर में करेंगे, बाकी की विधियों को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो जब से इससे पहले कि हम इसकी क्या कहते हैं बनाने की विधियाँ पढ़ें, उससे पहले हम इनके जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम अमीनो अम्लों का त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन तो आप सभी लोग समझते होंगे ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी कि कैसे होते हैं ये, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, किस तरीके के मॉलिक्यूल हैं, डी हैं या एल होते हैं, कैसे कैसे अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जैविक अणु हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट डी और एल होते हैं, उसी तरह ये भी क्या होते हैं, डी और एल, इनका भी नामकरण कर सकते हैं हम डी और एल से। इसके अलावा हम इनका आरएस भी कर सकते हैं, आर और एस, ये बता सकते हैं कि ये आर होंगे या एस होंगे। इन सभी के रूल्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो वो सारे रूल्स तो मैं यहाँ दोबारा से दोहराने वाली हूँ नहीं, नहीं तो पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा, एक क्या कई लेक्चर निकल जाएंगे आर एस समझाने में और डी एल समझाने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आर एस और डी एल करना आते होंगे। तो बात करें अमीनो एसिड्स की, तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब काइरल होते हैं, केवल एक को छोड़कर, है ना। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब काइरल हैं, काइरल का मतलब किरैल, हिंदी में जो बोलते हो आप किरैल बोलते हो, तो किरैल होते हैं। इसका मतलब कि वो PPL, अगर उन पर PPL समतल ध्रुवित प्रकाश डाला जाए तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, ध्रुव क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं, है ना। तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सभी ध्रुवण घूर्णक होते हैं, प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, केवल एक को छोड़कर, कौन, ग्लाइसिन, केवल ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हिंदी में लिखूं तो ग्लाइसिन को छोड़कर अन्य सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यानी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सभी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, केवल किसको छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर। ग्लाइसिन क्यों, हम जानते हैं सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन है, ये होता है। मैं इसको ऐसे लिखूं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ NH2COOH, एक H को लगाती हूँ तल के ऊपर और एक H रहेगा तल के पीछे, ये अबव और ये बिलो है H, ये H कैसा है, बिलो है, ठीक है, एक तल के ऊपर है और एक तल के पीछे है। तो क्या होगा अगर मैं इन दोनों के बीच में, ये दिख रहा है ना, ये ऐसे हैं, ये वाला हाइड्रोजन तल के ऊपर होगा, ये अगर तल है, ये दोनों बॉन्ड्स अगर तल पर हैं तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा, तल के ऊपर, यानी कुछ उठा हुआ होगा बोर्ड से ऊपर, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ होगा, बोर्ड के पीछे होगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में से काटूं, यहाँ से बीच में से काटूं, तो ये दोनों ग्रुप तो कट जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के सामने कौन होगा, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को कौन रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे वाला हाइड्रोजन। इसका मतलब इसके अंदर सममिति का तल होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब, अब इस पर मैं PPL डालूंगी तो ये ना तो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, कोई क्रिया दिखाएगा ही नहीं उसके साथ, क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो केवल इसको छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितने भी अमीनो अम्ल हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमको डी और एल में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनके लिए नोमिनक्लेचर हम यूज़ करते हैं डी और एल का।
तो जितने भी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उन सभी की एल कन्फिग्रेशन होती है। मतलब कि प्रकृति से जितने भी अमीनो अम्ल हमको प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं वो सभी एल फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं? एल फॉर्म में। और डी फॉर्म हम उनको बना सकते हैं लेकिन कहाँ, लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं डी फॉर्म को, लेकिन जो नेचर से प्राप्त होंगे वो हमें डी में नहीं प्राप्त होते। कौन से प्राप्त होते हैं? एल फॉर्म में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आपको याद हो तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं वो हमेशा डी फॉर्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? डी फॉर्म में। अगर उनकी एल फॉर्म चाहिए यानी कि एल चाहिए तो उनको हमें लैब में सिंथेसाइज करना पड़ता है। एल रूप जो होता है उनका वो प्रकृति में नहीं पाया जाता, डी रूप पाया जाता है। ऐसे अमीनो एसिड्स डी फॉर्म में नहीं पाए जाते, किस में पाए जाते हैं? एल रूप में पाए जाते हैं। और इनका अगर हमें डी रूप बनाना भी है तो हम लैब के अंदर सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले अल्फा अमीनो अम्ल, क्योंकि हमें यही पढ़ने हैं अल्फा अमीनो अम्ल, तो अल्फा अमीनो अम्ल एल कौन से विन्यास में रहेंगे? एल में रहेंगे। तो एल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले अल्फा अमीनो, ऐसे लिखो, अल्फा अमीनो अम्लों का एल विन्यास होता है ना। डी और एल हम कैसे बताते हैं? जैसे जो हमारे पास कोई भी अमीनो एसिड है, कोई भी मतलब कोई सा भी अमीनो एसिड ले लें, जो अगर हमें अमीनो एसिड को डी और एल में बताना है तो यहाँ पर जो हम रेफरेंस यूनिट लेते हैं, जो हमारा संदर्भ लेते हैं, वो हम सीरीन को लेते हैं। एक अमीनो अम्ल है सीरीन, उसको लेते हैं। सीरीन क्या होता है? सीरीन ये है भाई, CH, एक तरफ होगा NH2, एक होगा H और एक होता है CH2OH। ये कौन सा अमीनो अम्ल है? ये है सीरीन है, ठीक है, सीरीन है, सीरीन अमीनो अम्ल है। इसी को रेफरेंस यूनिट माना गया है। अगर हमें किसी भी अमीनो अम्ल को डी और एल बताना है तो हम उसको हमेशा क्या रेफरेंस लेकर चलते हैं? इसका रेफरेंस लेकर चलते हैं। अभी तो ये नॉर्मली लिखा हुआ है, इसको हम फिशर में चेंज करेंगे। किसमें लिखेंगे? फिशर में, क्योंकि अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो डी और एल जब भी नामकरण किया जाता है तो हमें जो विन्यास चूज किया, जो प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेपण सूत्र चूज किया जाता है वो फिशर का होता है। फिशर का मतलब इस तरीके का सूत्र होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है ना। तो एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, दो तरह की रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकृत ग्रुप होता है, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर का, तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकृत ग्रुप होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है और जिसमें कम ऑक्सीकृत ग्रुप होता है उसको सबसे नीचे रखा जाता है, ठीक है। बचे कौन? NH2 और H, तो इनको हम यहाँ रख देते हैं। कौन सी लाइन पर? हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो बचे हुए हैं H और NH2, उनको रख देते हैं। अब यहाँ पर देखना है D और L। अगर NH2 ग्रुप कौन सी साइड पर है? लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर NH2 ग्रुप कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपके दाएं हाथ, हिंदी में लेफ्ट को क्या बोलते हैं? बायां। अगर NH2 ग्रुप अगर आपके बाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो ये होगा L, L सीरीन, सीरीन अमीनो अम्ल है लेकिन क्या हो जाएगा? L। लेकिन अगर ऐसा है H इधर है, NH2 इधर है और नीचे है CH2OH। अगर NH2 ग्रुप सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ है, तो ये होता है D, क्या होता है? D सीरीन, ठीक है। तो इनको D और L कैसे बताते हैं? NH2 ग्रुप और NH2 ग्रुप की पोजीशन के आधार पर। किसके आधार पर? NH2 ग्रुप की पोजीशन के आधार पर। अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो L हो जाता है, अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो D हो जाता है। और जितने भी नेचर से प्राप्त होने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? L होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? L होते हैं, ठीक है, हमेशा L होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। जो अगला पॉइंट है यहाँ पर देखने वाला, ये तो हमने डी और एल बताया, हम इनका आरएस भी कर सकते हैं। जितने भी अमीनो अम्ल है हम उनका आरएस भी निकाल सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जितने भी अमीनो अम्ल नेचुरली प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, उनका जो आर विन्यास देखा गया है, आ हमेशा क्या होता है?
एस होता है, जितने भी नेचुरली अक्रिंग यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जितने भी अमीनो अम्ल हैं उनका जो कन्फिगरेशन होता है वो हमेशा एस होता है, केवल एक को छोड़कर, किसको, सिस्टीन, केवल सिस्टीन को छोड़कर बाकी जितने भी अमीनो अम्ल हैं उनका एस विन्यास होता है, एस कन्फिगरेशन होता है, सिस्टीन का आर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी एमिनो अम्लों का एस विन्यास होता है, केवल सिस्टीन को छोड़कर, सिस्टीन को छोड़कर, सिस्टीन का आर विन्यास होता है। ठीक है, यानी जितने भी नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो विन्यास होता है वो क्या होता है, हमेशा एस होता है, केवल सिस्टीन को छोड़कर, सिस्टीन का क्या होता है, आर होता है, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं, अभी हमने देखा कि जो प्राकृतिक रूप से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, एल, इसका मतलब ये वाला नेचर में पाया जाएगा और ये वाले को हम लैब में बनाएंगे, तो जो नेचर में पाया जा रहा है इसका हम आरएस करके देख लेते हैं। ठीक है, आरएस कैसे करते हैं भाई, आरएस सबसे पहले एक असममित कार्बन परमाणु देखा जाता है, ठीक है, ये है असममित कार्बन परमाणु, फिर इससे जुड़े हुए ग्रुप होते हैं उन पर प्रायोरिटी देते हैं, प्रायिकता दे दी जाती है, ठीक है, और हमेशा देखा जाता है चौथे वाले प्रायिकता ग्रुप को, अगर चौथी प्रायिकता वाला ग्रुप हमेशा कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए, तल के नीचे होना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्लॉकवाइज जाने पर आर हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज जाने पर क्या हो जाता है, एस हो जाता है। इतना पता है ना, आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, थोड़ा बहुत याद हो अगर आप लोगों को, तो इसका कर लेते हैं, यहाँ से इस कार्बन से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कार्बन है, नीचे की तरफ आएंगे तो कार्बन है डायरेक्टली, इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन है और इधर जाएंगे तो नाइट्रोजन है। तो अगर हम इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच देखें कौन सीधे जुड़ा हुआ है, तो इधर तो कार्बन कार्बन जुड़े हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसमें तो पहली दूसरी प्रायोरिटी दे नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है, इसका मतलब पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, नाइट्रोजन को मिलेगी, दे दी पहली प्रायोरिटी। अब इतना तो कन्फर्म है कि इन चारों में सबसे कम प्रायोरिटी, क्योंकि सबसे कम परमाणु क्रमांक किसका होता है, हाइड्रोजन का, तो इसको तो प्रायोरिटी हमेशा कौन सी मिलेगी, चौथा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में डिसाइड करना है पहला कौन सा किसको देना है, दूसरा किसको देना है, ठीक है। तो आप जानते होंगे यहाँ पर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है, और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है वो डुप्लीकेट होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिप्लीकेट होगा। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसूंगी तो पूरा पीरियड, सॉरी पूरा का पूरा लेक्चर इसी में आरएस में निकल जाएगा, और यह फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगी तो इस कार्बन से क्या हो जाएगा, इस कार्बन से ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना, सी डबल बॉन्ड ओ था, तो डुप्लीकेट करूँगी तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर कौन जुड़ जाएगा, कार्बन जुड़ जाएगा, डुप्लीकेट हो गया। तो अब अगर हम देखें तो इस कार्बन से तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, इस कार्बन से देखें, क्योंकि यहाँ यहाँ तो कार्बन कार्बन है, और कार्बन कार्बन से तो बात नहीं बनी, तो हमें आगे चलना पड़ेगा, आगे देखेंगे तो इस कार्बन से तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जबकि इस कार्बन से देखेंगे तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो किससे ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इस वाले कार्बन से, तो तीसरी प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, सॉरी दूसरी प्रायोरिटी किसे मिलेगी, दूसरा नंबर मिलेगा इसे और तीसरा नंबर मिलेगा इसको, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखना है कि हमारा चौथी प्रायोरिटी वाला ग्रुप तल के नीचे है या तल के ऊपर, और अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो ये जो लाइन होती है, इस लाइन पे जो भी ग्रुप जुड़े होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, तल के ऊपर होते हैं, ये हमेशा लाइन कैसी होती है, तल के ऊपर, एवव द प्लेन होती है, और अगर ये एवव द प्लेन है यानी चौथा प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है, तल के ऊपर है, तो अब हम क्या करेंगे, वन से टू, टू से थ्री की तरफ चलेंगे, तो जब हम वन से टू, टू से थ्री की तरफ चले, मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज होना चाहिए था इसको आर, क्योंकि जब हम वन से टू, टू से थ्री की तरफ जाते हैं यानी कि निम्न से उच्च प्रायोरिटी वाले ग्रुप की तरफ जाते हैं तो मूवमेंट देखते हैं, अगर घड़ी की दिशा में मूवमेंट हो रहा है तो आर होता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में मूवमेंट हो रहा है तो एस होता है, लेकिन ये तब होता है जब चौथा ग्रुप तल के नीचे हो, बिलो द प्लेन हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, चौथा ग्रुप कहाँ है, तल के ऊपर है, तो फिर ये भी उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, जब हम वन से टू, टू से थ्री चले तो हमारा मूवमेंट कैसा था, क्लॉकवाइज था, घड़ी की दिशा में था, तो इसको होना चाहिए था आर, लेकिन ये आर ना होकर के क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? आर का उल्टा हो गया, एस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन बिलो नहीं है, एवव है, और हाइड्रोजन एवव आ गया तो आर का भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एस। तो हमने देखा कि ये जो अमीनो अम्ल है एल रूप, ये नेचर में पाया जाता है, प्रकृति में, और प्रकृति में पाया जाता है जितने भी अमीनो अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं उनका हमेशा विन्यास क्या रहेगा? एस रहेगा, केवल एक को छोड़कर, किसको? सिस्टीन को छोड़कर। सिस्टीन का आप निकाल के देखिएगा, स्ट्रक्चर आप सभी को करा चुके हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि सिस्टीन का आप निकाल के देखिएगा, एस नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। लेकिन पहले उसको ऐसा मत करना कि तुम ये वाले का निकाल लो, अगर इसका निकालोगे तो ये तो आ ही आएगा, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म है, और ये नेचर में नहीं पाई जाती, ये तो हम लैब में बनाते हैं। तो आपको सिस्टीन जो बनाओगे, जो आरएस निकालोगे, वो नेचुरल नेचर फॉर्म में होना चाहिए, नेचुरली फॉर्म में होना चाहिए, प्रकृति वाली फॉर्म में होना चाहिए। और प्रकृति वाली फॉर्म कौन सी होगी? एल। और एल कैसे बनाना है आप जानते ही हो, जो जब आप उसका विन्यास लिखोगे तो एन एस टू ग्रुप को आपको कहाँ रखना है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, और फिर उसका विन्यास निकालिएगा, यहाँ एस आया और उसका क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। तो ये था इनका थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री, अमीनो एसिड्स की त्रिविम रसायन। अब हम देखेंगे इनके बनाने की विधियाँ, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे बनाने की विधियां, अमीनो अम्लों को, ये जो हमारे अल्फा अमीनो अम्ल हैं, इनको किस किस विधि से बनाया जा सकता है, इनके बनाने की विधियों को हम देखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं, जो पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेकर संश्लेषण। स्ट्रेकर संश्लेषण, स्ट्रेकर सिंथेसिस, ठीक है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में अमीनो अम्लों का निर्माण होता है किससे? एल्डिहाइड से। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एल्डिहाइड को लेते हैं हमारे क्रियाकारक के रूप में, यानी कि हमारे सब्सट्रेट के रूप में किसको लिया जाता है? एल्डिहाइड। कोई सा भी हम एल्डिहाइड लेंगे, उस हिसाब से हमारे अलग अलग तरह के अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे एसीटाइल्डिहाइड लेंगे तो एलानीन प्राप्त होगा, ठीक है। अगर अभी हम देखेंगे कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगर हम अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड लें तो अलग अलग तरीके के अमीनो अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब किसी एल्डिहाइड को अमोनिया व HCN, KCN, दिख तो रहा है ना, जब किसी एल्डिहाइड को अमोनिया व HCN, KCN या NaCN के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, तो पहला स्टेप में डायरेक्ट अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त नहीं होते। पहले स्टेप में जो बनता है वो अमीनो नाइट्राइल बनता है, ठीक है। जब इनके साथ गर्म करेंगे तो क्या बनता है? तो अमीनो नाइट्राइल बनता है, अमीनो नाइट्राइल बनता है, जो क्या करता है? जो जल अपघटित होकर, अल्फा एमिनो अम्लों का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि कोई सा भी हम एल्डिहाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? अमोनिया, उसके साथ HCN भी ले सकते हैं, या फिर अमोनिया NaCN भी ले सकते हैं, या फिर अमोनिया और KCN का मिश्रण लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम एल्डिहाइड के साथ। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? अमीनो नाइट्राइल मिलेगा, फिर उसका हम जल अपघटन कराएंगे, तब जाकर हमको क्या मिलेंगे? अल्फा अमीनो अम्ल मिलेंगे। और जल अपघटन भी जो होगा वो अम्लीय माध्यम में होगा। तो यहाँ लिख लिए, जो
ये वर्ड और जोड़ लीजिएगा, जो अम्लीय जल अपघटित होकर या अम्लीय जल अपघटन पर अल्फा अमीनो अम्ल, जल अपघटन कैसा होगा अम्लीय माध्यम में, ये जोड़ लीजिएगा, अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर अल्फा अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लें, एसीटाल्डिहाइड ले लें, क्या है ये एसीटाल्डिहाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, NH3 और साथ में क्या होगा, और हो सकता है NH3 साथ में HCN की जगह KCN भी ले सकते हैं, KCN की जगह NaCN भी ले सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है और साथ में NH3 होगा। तो हमें सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले प्राप्त होगा अमीनो नाइट्राइल, अमीनो नाइट्राइल में क्या होगा अमीनो नाइट्राइल में ये प्राप्त होगा CNOH और यहाँ पर प्राप्त होगा NH2, क्या प्राप्त होगा अमीनो नाइट्राइल प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर इसका हम क्या कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो हमको क्या मिल जाएगा CH3CH, ठीक है, CH3CH COH और यहाँ पर मिल जाएगा NH2। कौन सा अमीनो अम्ल है ये, ये है एलानीन, अगर याद हो आपको स्ट्रक्चर तो ये कौन सा अमीनो अम्ल है, एलानीन है, इस तरह से हमको एलानीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, चलिए भाई मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी कैसे होगी। भाई हमारे पास ये है CH3C OH, मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3C OH एसीटाल्डिहाइड है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, जब मैं इसकी रिएक्शन NH3 से कराऊंगी तो क्या मैं NH3 को ऐसे लिख सकती हूँ H2NH, NH3 ही तो है ये, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से H2O, ठीक है, माइनस क्या होगा यहाँ से H2O माइनस होगा, तो क्या होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ था, अब डबल बॉन्ड ओ की जगह कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, इमीन बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ हट गया और इसकी जगह कौन आ गया NH आ गया, ये तो H है ही, ठीक है। जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो इसको बोलते हैं इमीन, क्या बोलते हैं इमीन, अभी तो क्या बना है हमारे पास इमीन बना है, अभी तो केवल NH3 ने रिएक्ट किया है, ठीक है, NH3 रिएक्ट करेगा, इसके बाद क्या होगा, क्या बना है हमारे पास, अभी तो हमारे पास क्या बना है इमीन बना है, NH3 के H2 और इसका ऑक्सीजन मिलकर क्या होगा बाहर निकल गया और ये डबल बॉन्ड NH हो गया। ये जुड़ता कैसे आपको पता है ना, मैं यहाँ दिखा देती हूँ ये मैकेनिज्म यहाँ से यहाँ तक का कैसे हुआ शॉर्ट फॉर्म में, मैं इसको ऐसे दिखा दूँ CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास NH3, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में दिखा दिया, एक ही स्टेप में कर दिया। ये होता क्या है कि NH3 के लोन पेयर यहाँ अटैक करते हैं कार्बन पर और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाता है ऑक्सीजन पर जाएगा, जैसे ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाएगा क्या बन जाएगा CH3CO- और यहाँ पर कौन जुड़ गया H तो पहले से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कौन जुड़ गया NH2 और मैं ऐसे करके लिख दूँ NH3 जुड़ गया। जैसे ही नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बन गए हैं नाइट्रोजन के चार बॉन्ड, जैसे ही नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से OH यहाँ से क्या लेगा एक ऑक्सीजन ले, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, O- क्या करेगा यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CH और यहाँ पर है ये बन जाएगा नीचे रह जाएगा NH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, यहाँ पर क्या बन जाएगा OH बन जाएगा। फिर आगे क्या होगा कि जैसे ही नाइट्रोजन के पास क्या आ गया लोन पेयर आ गया ना भाई, लोन पेयर आ गए, तो जैसे ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा, जैसे ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा तो यहाँ से OH- निकलेगा, यहाँ से कौन निकलेगा OH- निकलेगा साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, क्यों निकलेगा भाई देख लीजिए, यहाँ से कौन निकला OH- बाहर निकलेगा, OH- बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव, नेसी नाइट्रोजन क्या बनाएगा NH2 पॉजिटिव, सॉरी
एनएच टू पॉजिटिव, जैसे ही नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा इस पर कैसे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से कौन निकला ओ एच माइनस, ओ एच माइनस क्या करेगा इसका एक प्रोटॉन ले लेगा और एक ऐसे दिखाऊं ओ एच माइनस क्या करेगा, यहाँ से कौन निकला था ओ एच माइनस निकला ना, ये ओ एच माइनस क्या करेगा यहाँ से प्रोटोन को ले लेगा, जैसे ही प्रोटोन को लेगा ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा और जैसे ही ये बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट कर देगा ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच प्लस में क्या होगा एच टू ओ, ओ एच माइनस एच प्लस लेकर क्या बना लेगा एच टू ओ बना लेगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक का इमीन की फॉर्मेशन का, अब ये क्या बन गई यहाँ पर जल तो बाहर निकल गया माइनस एच टू हो गया यानी प्लस एच टू ओ बना साथ में और ये क्या बना, ये बना इमीन, क्या बना है इमीन, ये वाला इमीन जो यहाँ था। तो ये इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ये तो मैंने डायरेक्ट दिखाया आपको। तो आपको अगर कभी भी कहीं पर भी रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O दिखे और साथ में कौन दिखे NH3 दिखे तो आप वहां से क्या करोगे NH3 से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को निकाल कर क्या बना देगा, ये पानी बाहर निकाल देंगे और डायरेक्ट कौन जोड़ देंगे NH जोड़ देंगे। तो इससे आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा, इससे आपके रिएक्शन का काफी टाइम सेव हो जाएगा। और नहीं तो अगर पूरे मैकेनिज्म से जाना चाहते हैं तो फिर आपको पहले ये पूरा स्टेप यहाँ से वहां तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद आगे की रिएक्शन होगी। ये आपकी मर्जी है कि आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं या ऐसे करना चाहते हैं। हालांकि आपको एक बार पता होना चाहिए कि सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड एनएच में कैसे चेंज हुआ। अब आपको मैकेनिज्म पता है कैसे चेंज हुआ तो आगे आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। आप पहले से नोट कर लीजिए फिर हम जल्दी से मैकेनिज्म देखते हैं आगे चलते हैं। जल्दी से इस पार्ट को उतार लीजिए फिर आगे हम मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ से ये इतना लंबा चौड़ा स्टेप है तब जाके ये बना और हमने डायरेक्ट दिखाया है। हुआ तो एक्चुअल में क्या बाहर H2O ही तो निकला वहाँ H2O ही तो निकला और एंड में क्या बना इमीन। तो डायरेक्ट बना दीजिए आप चाहे तो पूरे मैकेनिज्म से जाइए आपकी मर्जी। ठीक है तो इस मैकेनिज्म को आप साइड में नोट कर लीजिएगा कभी ना कभी तो आपके काम में आएगा ही। हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है आपको इतना डिटेल में घुसने की ठीक है लेकिन कभी ना कभी तो आपको काम में आएगा। कभी आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे पढ़ने के लिए तो काम आएगा आपको। अब आगे क्या होगा हमारे पास कौन है HCN है कौन है HCN है HCN दे रखा है HCN में H प्लस होगा CN क्या होगा माइनस होगा है ना एक H प्लस है एक CN माइनस है। तो यहाँ पर क्या होगा ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डबल बॉन्ड को जैसे डबल बॉन्ड ओ होता है ना कार्बन डबल बॉन्ड ओ तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है अपनी तरफ खींचता है और कार्बन पर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये वाला अपने बॉन्डों को इधर को खींचेगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा यहाँ कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव इस पर कैसा चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव क्योंकि ये धीरे धीरे क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा एच प्लस आकर क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एच प्लस तो जुड़ेगा इधर और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सी एन माइनस कहाँ जुड़ेगा इस कार्बन पर तो जोड़ दीजिए सी एन माइनस क्या करेगा यहाँ पर आकर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पर जैसे ही बॉन्ड नाइट्रोजन पर आएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इससे कौन जुड़ जाएगा एच प्लस तो क्या बन जाएगा ये सी एच थ्री सी एक एच को पहले से जुड़ा हुआ है ये बन गया एन एच टू और यहाँ पर कौन आ गया सी एन कौन आ गया CN और CN का अगर हम क्या करेंगे अब आगे अम्लीय जल अपघटन। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है चैप्टर तो अगर आपने देखा होगा कि यानी जो हमने चेन अप क्या किया था चेन अप रिएक्शन किए थे ग्लूकोज बनाने के लिए चेन अप रिएक्शन उसमें एक कार्बन को बढ़ाया था वहाँ पर हमें पहले CN बनता है और फिर CN का क्या कराते हैं अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तब जाकर कौन बनता है यहाँ से COOH ग्रुप बनता है। ये आप काफ़ी साइंस एंड ट्वेल्थ में भी किया होगा कि जो CN ग्रुप होता है इसका अगर हम अम्लीय जल अपघटन करा दें तो ये किसमें चेंज हो जाता है COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पर होने इसका अम्लीय जल अपघटन होगा तो ये चेंज हो जाएगा COOH। हालांकि बहुत से बच्चे तो इतने नालायक होते हैं कि उनको पता ही नहीं है ध्यान ही नहीं देते पढ़ने में तो बोलेंगे इतना पुराना पीछे कहाँ जाए कार्बोहाइड्रेट में कहाँ ढूंढेंगे इसका अम्लीय जल अपघटन यही देख लेते हैं। तो यही देख लो भाई अम्लीय जल अपघटन होना है अम्लीय जल अपघटन होगा मतलब अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अपघटन होगा इसका जल के साथ रिएक्शन होगी एच ओ एच ऐसे लिख दूं यहाँ पर एच प्लस होता है और ओ एच क्या होता है माइनस होता है इस तरह से लिख दूं एच ओ एच को एच टू ओ वाटर को एच प्लस ओ एच माइनस और अम्ल की उपस्थिति में तो अम्ल से क्या प्राप्त होते हैं एच प्लस यहाँ पर कौन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या करेगा एच प्लस को ले लेगा तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन और एच जुड़ गया जैसे ही नाइट्रोजन ने
चार बॉन्ड बनाई, नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बना लिए, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस खींचेगा। CH3CH NH2 C ट्रिपल बॉन्ड NH। ठीक है, तो नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बन जाएगा CH3CH, यहाँ पर दो दो NH2, तो यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन से एक बॉन्ड टूटा है, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर। तो ये जो OH माइनस है, H2 का OH माइनस, यहाँ अटैक कर देगा कार्बन पर आकर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा COH डबल बॉन्ड NH। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? सॉरी, ये बन जाएगा CH3CH, यहाँ पर है NH2, और ये बन गया COH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये बना। अब क्या होगा? H2O तो मौजूद है ही, H2O मौजूद है, तो क्या करेगा ये दोबारा से अटैक कर देगा, यहाँ पर दोबारा से अटैक करेगा। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा? मैं ऐसे लिखूँ CH, ये है CH3, यहाँ पर है NH2। ठीक है, दोबारा से ऑक्सीजन अटैक करेगा, H2O अटैक करेगा, तो यहाँ पर फिर से कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? एक तो NH था ही, ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? OH2 पॉजिटिव। जैसे ही ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाया, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। H2 आपका जुड़ गया ना, तो जुड़ा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? जैसे ही H2O ने अटैक किया, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ? नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुआ, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेगा, यहाँ से एक H+ को ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा? ये कुछ ऐसा बना लेगा CH3CH, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर C, एक OH पहले से जुड़ा हुआ था, अब दूसरा OH भी जुड़ गया, और ये क्या बन गया? NH2 बन गया। क्या बन गया? NH2 बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर अगला स्टेप जो होगा वो होगा टॉटोमेरिज्म। अगला स्टेप यहाँ पर क्या होगा? टॉटोमेरिज्म का होगा। तो अगले स्टेप में यहाँ क्या होने वाली है? टॉटोमेरिज्म जानते हैं ना, हाइड्रोजन अपनी पोजिशन को चेंज करेगा। तो होगा क्या? यहाँ पर दो दो OH ग्रुप हैं, तो कोई भी एक हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट करेगा, और यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर नाइट्रोजन निकल जाएगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉनों को निकलेगा, तो ये NH2- बनाएगा। क्या बनाएगा? NH2-, और यहाँ से निकलेगा H+, तो NH2- H+ को ले लेगा, और बाहर क्या निकलेगा? NH3 बाहर निकल जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH, यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, और ऊपर वाला ग्रुप किसमें चेंज हो गया? सी डबल बॉन्ड OH में। किसमें चेंज हो गया? सी डबल बॉन्ड OH, और यही तो है हमारा एलानीन, अमीनो एसिड। तो इस तरह से फॉर्म होता है एलानीन, अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है एलानीन। यहाँ पर हमने क्या लिया? एसिटाल्डिहाइड लिया है। अगर हम इसकी जगह कोई सा भी ग्रुप ले रहे हैं, अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लेते CH3 की जगह पर, तो वैलिन बनता। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कार्बन की जगह, मैं इसको यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है ना, तो CH3 की जगह R लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ? R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, या कोई और ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है ना। तो उसी हिसाब से अलग अलग तरह के अमीनो एसिड बनेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए, देखते हैं अगला मेथड। हो गया नोट, समझ में आया होगा? आई होप आप सभी को एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा स्टेप खोल खोल के बताए हैं आपको, डायरेक्ट नहीं कराया, वरना तो आपको डायरेक्ट करा देती मैं, आपको पता भी नहीं चलता, सिर्फ ऐसे लिखा देती अम्लीय जल बटन हुआ, डायरेक्ट ये बन गया। तो ये कैसे बना वो मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया है। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। जो दूसरी विधि है वो है गैब्रिल थैलेमाइड
संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं पोटेशियम थैलेमाइड का। किसका यूज़ करते हैं? पोटेशियम थैलेमाइड का यूज़ करते हैं। पोटेशियम थैलेमाइड की जब रिएक्शन हम कराते हैं अल्फा हैलोजिनेटेड एस्टर के साथ, किसके साथ? अल्फा हैलोजिनेटेड एस्टर के साथ जब उसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो पहले डायरेक्ट नहीं बनता अल्फा अमीनो अम्ल, पहले कुछ इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसका जल अपघटन कराते हैं और जल अपघटन कराने के बाद फाइनली हमको क्या मिल जाता है? अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त हो जाता है। हालांकि अमीनो अम्ल प्राप्त करने की ये विधि सबसे अच्छी या उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि इससे जो अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं कि पोटेशियम थैलेमाइड को अल्फा हैलोजन एस्टर के साथ अभिकृत कराने पर बने उत्पाद का जल अपघटन कराने पर अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। और साथ ही लिख देंगे यह अमीनो अम्ल बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि अमीनो अम्ल कम मात्रा में प्राप्त होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? कम मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। देखते हैं भैया क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर। ये है भाई थैलामाइड, लेकिन हमें क्या चाहिए? पोटेशियम थैलामाइड। तो पोटेशियम थैलामाइड ये होगा N-K+। जब इसकी रिएक्शन किसी अल्फा हैलोजिनेटेड एस्टर, हैलोजन में कौन हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, जो अल्फा पोजीशन पर जुड़ा हुआ होगा। तो ये ले लिया हमने Cl CH2 C11 O E T। ये क्या है? ये है अल्फा क्लोरीनेटेड एस्टर है, वो भी कैसा? अल्फा क्लोरीनेटेड। अल्फा कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, किसी के भी साथ रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पर CH2 भी ले सकते हैं या CSA भी ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन की जगह कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अगर हम CH2 लेंगे तो ग्लाइसिन का संश्लेषण होगा, लेकिन अगर हम एक H हटाकर कोई R ग्रुप जोड़ दें, R ग्रुप जैसे CH3 हो, आइसोप्रोपाइल हो, तो एलानिन, वैलिन आदि का भी संश्लेषण हो सकता है। तो सबसे पहले हम CH2 लेकर ही चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी यहाँ पर से क्या मिलेगा हमको? हमको ये प्राप्त होगा, N CH2 CO2 ET। और जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, इसका दो बार हमको जल अपघटन कराना पड़ेगा, एक बार क्षारीय जल अपघटन, एक बार अम्लीय जल अपघटन। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ जल अपघटन कराएंगे तो फाइनल में जाकर हमको ये प्राप्त होगा COOH, साथ में मिलेगा हमको NH2 CH2 COOH। ये क्या है? ये है ग्लाइसिन, अमीनो अम्ल मिलेगा ग्लाइसिन। तो ये रिएक्शन है, जल्दी से उतारिए फिर इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगी ये रिएक्शन।
जल्दी से उतारिए। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? पोटेशियम थैलामाइड चाहिए, लेकिन पोटेशियम थैलामाइड बना बनाया थोड़ी ना मिलता है, बनाना पड़ेगा भाई। तो क्या बनता है? हमें तो थैलामाइड मिल जाएगा, लेकिन थैलामाइड से क्या बनाना है? पोटेशियम थैलामाइड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए भाई, पहले तो थैलामाइड से पोटेशियम थैलामाइड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? यहां पर जुड़ा होता है हाइड्रोजन, ये क्या है? ये है थैलामाइड, थैलामाइड है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं थैलामाइड। लेकिन अभी तो हमें पोटेशियम थैलामाइड चाहिए, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? KOH के साथ करा देंगे। तो यहां पर K प्लस होता है, OH क्या होता है? माइनस। बेस है, क्षार है, क्षार का काम क्या होता है? क्षार का काम होता है प्रोटोन को एक्सेप्ट करना। तो यहां पर प्रोटोन दिख रहा है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, वो भी कैसा? अम्लीय प्रोटॉन, क्षार है तो अम्लीय प्रोटॉन को ही देखेगा ना, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है प्रोटॉन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा तो ये अम्लीय होगा। तो यहाँ पर इसको ले लेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पर एन पर आ जाएगा क्या? माइनस चार्ज। इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? के प्लस। बन गया भाई पोटेशियम थैलामाइड, क्या बन गया? पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है, पोटेशियम थैलामाइड बन गया। अब हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर के साथ। वो कुछ भी हो सकता है, अल्फा क्लोरीनेटेड एस्टर भी हो सकता है, अल्फा ब्रोमिनेटेड एस्टर भी हो सकता है। तो हमने जो लिया था वो कौन सा था? अल्फा क्लोरीनेटेड एस्टर, ये लिया था COOET। ये क्या है? एस्टर समूह है, और अल्फा कार्बन, ये इसका अल्फा कार्बन है, इस पर कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो ये क्या है? अल्फा क्लोरीनेटेड एस्टर है। तो अब आगे क्या होगा? नाइट्रोजन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? Cl, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल सकता है आसानी से बाहर। तो क्या होगा? नाइट्रोजन यहाँ अटैक कर देगा इस कार्बन पर, और ये जो ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर K प्लस और ये Cl माइनस यहाँ से बाहर निकला, तो क्या बना लेंगे? KCl बना लेंगे ये आपस में मिलकर, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा? माइनस के सी एल हो गया, माइनस के सी एल हो गया, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बना हमारे पास ये, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, माइनस क्या हुआ? के सी एल, और क्या बना? ये बना हमारे पास, एन, और यहाँ जुड़ जाएगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, ये जुड़ गया, ठीक है। अब हम इसका क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। और जो हम जल अपघटन कराते हैं, यहाँ पर दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, आपको दिख रहा होगा दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर समूह है, और एक क्या है? ये अमाइड है। देखो यहाँ से देखोगे तो कौन सा ग्रुप है? अमाइड ग्रुप है ना, ये क्या है? अमाइड है। तो यहाँ पर अमाइड भी है और एस्टर भी है। तो जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, दोनों माध्यम में करा सकते हैं, या तो अम्लीय माध्यम में करा सकते हैं, क्षारीय माध्यम में, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा माध्यम लेंगे? क्षारीय माध्यम लेंगे, यानी किसी क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे। तो क्या होगा? एमाइड ग्रुप का भी जल अपघटन हो जाएगा और एस्टर का भी जल अपघटन हो जाएगा। और एस्टर का जल अपघटन आपको हजार बार कराया कार्बोहाइड्रेट्स में, तो अब तो आपको रट जाना चाहिए। तो एस्टर का जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा? जब एस्टर का जल अपघटन होता है तो एसिड और एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। देखते हैं क्या कराएंगे हम इसका जल अपघटन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? क्षार की प्रेजेंस में, ठीक है। तो होगा क्या? यहाँ पर क्षार की प्रेजेंस में जल अपघटन कराएंगे, तो मालूम है एक तो H2O है, H प्लस और OH माइनस रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर? कैसे रिएक्शन होगा? जब हमने H2O और NaO क्षार की प्रेजेंस में लिया है तो एक ही तो H2O मॉलिक्यूल नहीं होगा, हजारों H2O मॉलिक्यूल होंगे, है ना। एक बूंद भी लेते हैं अगर हम पानी, तो उसके अंदर एक H2O मॉलिक्यूल तो नहीं रहता, हजारों मॉलिक्यूल्स रहते हैं H2O के पानी के अंदर, है ना। तो यहाँ पर भी हजार होंगे, तो होगा क्या? यहाँ पर जो OH- मिलेगा, जो OH- मिलेगा वो यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये वाला बॉन्ड पहले ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है, फिर वापस नीचे आएगा, और ये वाला बॉन्ड टूटकर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन पर। ये वाला बॉन्ड टूटकर क्या शिफ्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन पर। ऐसे ही यहाँ पर भी ग्रुप है, एस्टर पर भी तो हाइड्रोलिसिस होता है, अगर हम क्षारीय जल अपघटन करा रहे हैं तो एस्टर का भी तो जल अपघटन होगा, तो इन दोनों का जल अपघटन हो जाएगा, OH- अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से रिएक्शन होगा, पहले ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पर,
फिर वापस आएगा नीचे, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, OET जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर तो बन जाएगा COOH, और यहाँ पर क्या बनेगा C OnCH2 C OOH, ये बनेगा ना, ये बनेगा। और नाइट्रोजन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है, नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुआ है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा क्या H प्लस, जैसे यहाँ से H प्लस लेगा, साथ में यहाँ से क्या हुआ था OH माइनस है, यहाँ से कौन है OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा इस वाले H प्लस को लेगा, इस वाले H प्लस को लेगा, तो ये नाइट्रोजन तो इस वाले H प्लस को ले लेगा, और ये OH माइनस इस वाले H प्लस को ले लेगा, तो क्या बना लेगा ये कुछ ऐसा बना लेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस को कौन सेटिस्फाई करेगा, एन ए प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा COON, इसने तो H ले लिया, एक H पहले से इस पर जुड़ा हुआ था, एक H तो पहले से इस पर नहीं, सॉरी पहले से कोई H नहीं है, ठीक है, इसने क्या कर लिया H को ले लिया, तो ये क्या बन गया NH बन गया, ठीक है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस NaOH ने इसका ओ माइनस ले लिया, तो ये इसको भी कौन सेटिस्फाई करेगा Na प्लस, क्योंकि एक ही NaOH का मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, हजारों मॉलिक्यूल होंगे NaOH के, हजारों मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, और ये क्या करेंगे जल अपघटन कर देंगे दोनों ग्रुप का एक साथ, ठीक है, ये बना हमारे पास। अब हम क्या कराएंगे इसका, अब हम इसका वर्कअप कराएंगे, क्या कराएंगे वर्कअप, क्योंकि यहाँ पर ओ माइनस है, ठीक है, तो वर्कअप तो कराना पड़ेगा। तो जब हम इसका वर्कअप कराएंगे HCl के साथ, वर्कअप का मतलब क्या होता है, वर्कअप का मतलब हम ऐसे ही तो लिखते हैं H3O+, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में वाटर लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये प्राप्त होगा, समझ लीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर O- है, अम्ल लिया है, तो अम्ल से क्या प्राप्त होंगे H+, तो ये भी OH में चेंज हो जाएगा, और ये भी किस में चेंज हो जाएगा OH में, साथ में ये क्या है फिर से एमाइड ग्रुप है, क्या है ये एमाइड ग्रुप है, और अभी तो हम HCl H2O ले रहे हैं, यहाँ पर भी तो क्या है जल अपघटन के लिए तो लेते हैं हम, ये क्या हो रहा है दोबारा से जल अपघटन, वहाँ पर हुआ था क्षारीय माध्यम है, अब हम कह सकते हैं ये अम्लीय माध्यम है, जल अपघटन है, और एमाइड का जल अपघटन होगा तो फिर से क्या बनेगा COOH, यहाँ पर कौन बन जाएगा COOH, जैसे ये बना था COOH वैसे ये बन जाएगा COOH, तो यहाँ पर क्या बनेगा फाइनली हमें ये प्राप्त होगा, यहाँ पर तो COOH बनेगा ही, ये बना हुआ है, यहाँ से H+ ले लिया HCl से, ठीक है, और दूसरे HCl ने क्या, दूसरे H2O के मॉलिक्यूल ने क्या किया, इसको जल अपघटित कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा COOH, ठीक है, तो ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर कौन आएगा OH- ने अटैक किया यहाँ पर, तो ये बॉन्ड ऊपर गया नीचे गया वापस से ये निकलेगा, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पर तो भरपूर मात्रा में अम्ल है, तो ये क्या लेगा माइनस चार्ज, यहाँ से H प्लस को ले लेगा, तो साथ में क्या मिलेगा हमको, साथ में मिलेगा हमको NH2CH2COOH, क्या है ये ग्लाइसिन है, क्या है ग्लाइसिन, अमीनो अम्ल है ग्लाइसिन, ठीक है। तो इस तरह से गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण द्वारा हमको अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, अच्छे से दिखा दें, यहाँ पर OH- है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पर, जैसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ से H+ लेकर अमीनो एसिड बना लेगा, ठीक है। तो ये विधि अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी बनता है, तो अमीनो एसिड डेफिनेटली है कि कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो इस तरह से आज हमने कुछ विधियाँ देखी अमीनो एसिड्स को बनाने की, इसकी और भी बहुत सारी विधियाँ हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसे। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, क्या हटा दें, एक हाइड्रोजन हटा दें और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें किससे, किसी R ग्रुप से, किससे प्रतिस्थापित कर दें किसी R ग्रुप से, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो अगर CH3 लेंगे अगर R की जगह पर तो एलानीन बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल लेंगे तो वैलीन बन जाएगा। तो इस तरह से हम R ग्रुप को एक हाइड्रोजन को किसी R ग्रुप से प्रतिस्थापित करके अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों का संश्लेषण कर सकते हैं, जस्ट लाइक बिफोर, यानी कि इससे पहले वाले मैकेनिज्म में अलग अलग तरह के एल्डिहाइड लेकर हम अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई आपको, नोट कीजिए जल्दी से, मिलते हैं अगले लेक्चर में।